और झगड़ा चल रहा है क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में शुरू हुई थी, करण जौहर का ना अफेयर चल रहा है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, इतनी सारी चीजें देख के आई वाज तो टोटली इंप्रेस्ड। छोटा मोटा अमाउंट क्या होगा, डांसर्स के आउटफिट चुराता है, पर मसाला बटर मसाला चना मसाला भेज लेना, ये लड़की को हीरोइन बनना चाहिए। आई एम अ जोक। उनका इनकाउंटर करने के लिए हमने बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे और आज हम उनके घर में आ चुके हैं। उनको देखो शूट आउट तो नहीं लेकिन इनकाउंटर और लोखन वाला जरूर। सो अभी हम जाते हैं अपनी सस्पेक्ट को ढूंढने क्योंकि इनकी बातों में जब सिया दाए हैं। ओके सो लेट्स फाइंड हर and shoot out. Oh my god. Encounter. Okay, so now you have to come with us. Ajum. But who allowed you all inside my house? You only allowed. I allowed. Dilip bhai allowed. Haan, Dilip bhai, yeah. What? Chinky? No, Chinky. Minky. Chinky, yeah, Chinky, Minky. Chinky. Okay, let's go. Haan, mere ghar mein toh haan, koi jaane udhar hi aajo. Oh my god. Okay, so please welcome Farah ma'am. Hello, welcome to Chinky Minky channel. Yes, is that what it's called? Twin encounter. I have triplets encounter, but इनके साथ मैं करूँगी twin encounter. Yes. हमने सुना आपकी triplets की बन नहीं रही आजकल. मेरे triplets का बहुत झगड़ा चल रहा है आजकल. The girls have united, as you all know, as the girls tend to do. और मेरे बेचारे बेटे को उन्होंने room के बाहर sideline कर दिया. Sideline ने outline कर दिया. Oh shit. अच्छा, मेरे आपसे कुछ सवाल थे और उसके भी सवाल थे. तो पहले मैं पूछूंगी, फिर वो पूछेंगे. So, आपने इतने टाइम से कोई फिल्म क्यों नहीं बनाई? आई नो, अभी मुझे बनानी है जरूर. बहुत टाइम हो गया. एक्चुअली टाइम फ्लाइज, यू डोंट कम टू नो, क्योंकि आई वाज वांटिंग टू स्पेंड टाइम विद माय किड्स और दे वर आई थिंक 5 or 6 इयर्स ओल्ड व्हेन हैप्पी न्यू ईयर रिलीज्ड. या एंड देन आई वाज स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद देम, वी वर हॉलीडेइंग ये and suddenly they are 16 years old now. Time just flies like this. And आपको कितना time हो गया industry में? मतलब जब black and white फिल्में शुरू हुई थी तब तुम पैदा भी नहीं हुए थे. मैं जोक कर रही हूँ, मैं भी पैदा नहीं हुई थी तभी. मुझे हो गए 32 years. तब भी हम पैदा नहीं हुए थे. Obvious, जब तुम लोग 4 साल के थे तभी मैं उना लगी थी, करेक्ट? मैं उना लगी थी, ओम शांति ओम भी लगी थी. नहीं, ओम शांति ओम तभी तुम लोग थोड़े बड़े हो गए. अच्छा, तो आप, हमने सुना आप सिर्फ शाहरुख खान सर के साथ फिल्म्स करते हो. सुना नहीं है, मगर मैं प्रिफर करती हूँ कि मैं उनके साथ फिल्में करूँ. हाँ, मैं तो उनका वेट कर रही हूँ अभी. हमें ना कुछ स्पाइसी खाने का मन कर रहा है, कुछ एक दो गॉसिप दे दो ना बॉलीवुड की. करण जौहर का ना अफेयर चल रहा है. किसके साथ? मेरे साथ. आई एम अ जोक. सो टॉकिंग अबाउट करण जौहर सर, तो आप उनके वार्डरोब में गए थे, उनके इतनी सारी चीजें देख के आई वाज तो टोटली इंप्रेस्ड. आई नो. एक और फ्लैट है और उसमें उतना ही बड़ा एक और क्लोजेट है और आधे कपड़े उसमें रहते हैं. वो हर शूट से डांसर्स के आउटफिट चुराता है और वहां पर रखता है. ओके. क्योंकि बहुत ज्यादा वो चमके. ओके. मोटा मोटा अमाउंट क्या होगा उनके वार्डरोब वो का? मुझे नहीं पता क्योंकि मैं भी सीधा लोखंड वाला मार्केट में शॉपिंग करती हूँ या जारा मैक्स. मतलब मैक्स माय मोस्ट एक्सपेंसिव क्लोथ्स आर फ्रॉम जारा. So I would not know, but I want to do a show with Karan where we discuss about the brands and the prices of everything. So ma'am, आपका first काम क्या था industry में? मैं assistant director थी. Okay. और मैं clap देती थी और मैं wardrobe ऐसे लोगों को कपड़ा पहनाना होता ना. मतलब 100 लोगों का crowd है तो 100 लोगों को सुबह उठ के कपड़ा पहनाओ उनका. वो मेरा job था. I started working in 1990. Okay. In Jojita वही सिकंदर. तो हमने सुना आपको खाना बनाने का बहुत शौक है. उससे ज़्यादा आपको खाना खिलाने का शौक है. Correct. तो मेरा भी YouTube चैनल शुरू हो चुका है, द फारा खान चैनल, और उसमें मैं खाना भी बनाती हूँ और मैं लोगों को खिलाती भी हूँ. तो प्लीज तुम लोग दोनों आना. मैं बुलाऊंगी, 100% बुलाऊंगी और तुम लोग से खाना भी पकवाऊंगी. मतलब मैं तुम लोग को सिखाऊंगी कैसे खाना बनाना है. अच्छा, ओके. हम सब खाने आएंगे. हाँ, और फिर वो ही खाना पड़ेगा तुम लोग को. ठीक है. और हम तो खाना बहुत टेस्टी बनाते हैं, आपको पता है? सच्ची? आप पूछो हमें क्या क्या खाना बनाना आता है. क्या क्या आता है तुम लोग को? उल्लू बनाने आता है? नहीं, हमें खाना बनाना आता है. क्या क्या बनाने आता है? पनीर मसाला, बटर मसाला, चना मसाला, वेज लखनऊ, वेज कोल्हापुरी, वेज जयपुरी, आलू पूरी, पानी पूरी, हलवा पूरी, काली दाल, पीर दाल, मक्की दाल, तवा रोटी, मिस्सी रोटी, मक्की रोटी. ओ माय गॉड, ये कौन से उड़ीपी रेस्टोरेंट का पूरा मेन्यू कार्ड? तुम लोग तो सब चीज साथ में बोलते हो ऐसे. हाँ जी, मतलब हो जाता है. तो मैं अगर तुम लोग को एक चैलेंज दूंगी तो तुम लोग साथ में बोल सकोगे? बिल्कुल, ट्राई कर लेंगे. तो तुम लोग एक चुटकी सिंदूर साथ में बोल सकोगे?
एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू. रमेश बाबू टेक टू, टेक टू, टेक टू, एक्शन. एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू. ईश्वर का आशीर्वाद होता है. अरे ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर. एक काम करो रेस्टोरेंट का मेन्यू बोलो वापस. नहीं नहीं हम ये करेंगे. रेडी एंड टेक थ्री एक्शन. एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू. ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर. सुहागन के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर. हर औरत का ख्वाब होता है एक चुटकी सिंदूर. वाओ टू गुड यार योला. देखो जब डबिंग वबिंग करानी होगी मुझे क्राउड की या कुछ भी तो मैं तुम लोगों को बुला चलेंगे ऐसे साथ में. जुड़वा थ्री में ऑल कैन गिव. ओह यस यस. जुड़वा थ्री में आप हमें कास्ट कर लो 100%. ओके सो यू हैव सीन अ वेरी गुड ट्रांजिशन इन बॉलीवुड इंडस्ट्री. तो आपको ऐसा क्या चेंज दिखता है अब और आप क्या चेंज करना चाहोगे बॉलीवुड में. अच्छा वाला चेंज भी है और बुरा वाला चेंज भी है. तो अच्छा वाला चेंज है कि थोड़ा अभी ऑर्गेनाइज्ड हो गई है इंडस्ट्री ना. लोग टाइम पे आते हैं और स्टूडियो सिस्टम है और ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर प्रॉपर. किसी के पैसे कोई खा नहीं सकता है. ऑल दैट हैपेंड. और बुरा चेंज ये है कि पहले बहुत ज्यादा रिलेशनशिप पे चलती थी इंडस्ट्री. ओके तो अगर मुझे कुछ चाहिए होता था तो मैं डायरेक्टली एक्टर को फोन कर. अब ये होगा कि पहले आप उनके मैनेजर के सब मैनेजर को मिलो. फिर वो मैनेजर मिलेगा उसके बाद उनकी एजेंसी मिलेगी उसके. सो इट्स ऑल बिकम वेरी क्लिनिकल. थोड़ा वो इंटरपर्सनल रिलेशंस थोड़े खराब हो गए. क्या चेंज मैं लाना चाहूंगी. आई थिंक बहुत ज्यादा एंटूराज कॉस्ट हो गया है. एक एक्ट्रेस 9 जन साथ में लेके आती है या एक एक्टर 8 जन साथ में लेके आता है या किसी. दैट इज अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज. वो फिल्म में दिखता नहीं है वो कॉस्ट. ठीक है तो आई थिंक दैट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड अ बिट. वो बहुत प्रोड्यूसर पे बहुत भारी पड़ता है वो. बट यू ऑल डोंट वरी अबाउट इट. तुम लोग अपना हेयर मेकअप खुद करते हो. आज तो खुद ही कर रहे हैं. आज खुद तो कितने सुंदर तो लग रहे हो तुम लोग खुद करके. ठीक है तो बुला लो हमें जरूरत नहीं है. हम एक्स्ट्रा लोगों को नहीं लेके आएंगे. सो दो लोग बुलाना हम आ जाएंगे. क्या बात है. वेरी गुड. उनको ये बुला रही हूँ. और मैं भी देखो मैं मेकअप प्रोफेशनली लगाऊं या खुद करूं मैं वैसी गंदी लगती हूँ. ठीक है. अच्छा तो आप किन्हीं 5 लोगों को होस्ट करके खाना खिलाना चाहो तो वो कौन 5 लोग होंगे ऐसे वर्ल्ड में कोई भी के बॉलीवुड जिसको आप चाहते हो. टॉम क्रूज को बुलाना चाहूंगा. और फिर अगर जब टॉम क्रूज आएगा तो मैं और किसी को क्यों बुलाऊं. वो और मैं अकेला कैंडल लाइट डिनर करेंगे साथ में. ओके सो आपने मतलब हमारी फेमस एंड बहुत ही ज्यादा फेवरेट मूवी है हमारी ओम शांति ओम एंड द दीवानगी सॉन्ग वी लव इट. थैंक यू फॉर दैट फिल्म. हमारा पूरा बचपन अभी तक हम वही देखते आए हैं. वो 3 घंटे तुम लोग बात को जब से आए हो एज शेम किए जा रहे हो पता है ना. नहीं मैं फोकस कर रहा था अभी नहीं होते तभी हम तो अभी हॉस्पिटल से निकले थे तभी आपने पिक्चर बनाई थी. हां बोलो आप ओम शांति ओम छोड़ो आप मैं हूं ना. देखो ओहो उसका वो डायलॉग याद है. मैं हूं ना के अभी 20 साल होने वाले हैं. अच्छा 20 साल ऑन 15 नो 30th ऑफ अप्रैल. 30th तो आपको याद है सोल्जर सोल्जर मीठी बात. दैट वाज रियली वो शाहरुख का इंप्रोव था. अच्छा वो वैसे लिखा नहीं गया था. दैट वाज इन द स्क्रिप्ट. नो इट वाजंट इन द स्क्रिप्ट. सो शाहरुख डज अ लॉट ऑफ इंप्रोव. वैसे वो बहुत सारे इंप्रोव करता है. अगर ओम शांति में वो टाइगर की फाइट थी तो वो जब टाइगर घुमा रहा तो उसने इंप्रोव किया था. नॉटी पुसी फॉलन लाफिंग बिकॉज़ फाउंड इट टू फनी. ओके सो उसमें आपने शांति प्रिया को दीपिका पादुकोण मैम को कैसे डिस्कवर किया. तो बहुत लंबी स्टोरी है बट एक बहुत फेमस मैनेजर या ऐसे करेंगे रेशमा शेट्टी करके अभी वो मैट्रिक्स की ओनर है. तभी वो आई थिंक शी वाज वर्किंग फॉर समबडी अतुल कसदेकर और समवन. तो वो उसने मुझे फोन किया और उसने मुझे कहा कि बैंगलोर से एक लड़की है प्रकाश पादुकोण जी की डॉटर है और वो मॉडलिंग करती है एंड आई वांट टू ब्रिंग हर टू मीट यू. और मैंने दीपिका का आई थिंक कोई तो फैंटा का ऐड था या लिरिल का ऐड था या कुछ मैंने देखा हुआ था एंड आई रिमेम्बर्ड दैट ये लड़की को हीरोइन बनना चाहिए. इट वॉज इन द बैक ऑफ माई माइंड. तो वो उसको मेरे घर ले आई थी and I remember what she had worn also. She had worn a plain white chicken का कुर्ता because I had no makeup. Very beautiful she was. तो मैंने उसको बोला था देखो happy new year में जायद खान के opposite cast करूँगी and if you are very good then I'll cast you opposite शाहरुख खान. Okay so you started as a choreographer. Then how come you entered the direction team? Actually मेरे को direction ही करना था. मेरे को choreographer नहीं बनना था. मैं बोली ना मैं director की clap तो वही picture में मुझे choreographer का offer आया क्योंकि choreographer जी
पहुंची नहीं आउटडोर शूट पे. अच्छा okay. इसलिए हमेशा टाइम पे पहुंच जाना चाहिए अपने काम के लिए. इसलिए आज हम 30 मिनट्स पहले आए हैं. हाँ, और इतना जल्दी भी नहीं पहुंचना चाहिए कि होस्ट ही रेडी ना हो. ठीक है, टाइम पे पहुंचो, ना टाइम से पहले ना टाइम के बाद. हाँ, she didn't turn up for some whatever reason and because I used to have a background in dance, तो मेरे को असिस्टेंट डायरेक्टर से कोरियोग्राफर का मौका मिला and the first song I did was पहला नशा पहला. वाओ, या सो वो सॉन्ग फिर बहुत फेमस हो गया. बहुत ज़्यादा. एंड आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है इंडस्ट्री में? मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं एक्चुअली. मेरी बेस्ट फ्रेंड सानिया मिर्जा है. अच्छा, ओके. सो मेरी बेस्ट फ्रेंड तब्बू है. करण एंड मी कैन टॉक बट हम रोज नहीं मिलते. ओके, बिकॉज वो बहुत बिजी है. तो कभी कभार जब हम मिलते हैं फिर हम रील बनाने में बिजी हो जाते हैं क्योंकि वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है. क्या रील्स चलती है इंस्टाग्राम पे? 96 मिलियन ऑन द लेटेस्ट रील. ओह माय गॉड, इतने तो हमारे नहीं आते. हमें कोई टिप्स दे दो आप. वो तो खाने की रील थी ना, वो कोलैब में था. मलाइका भी थी. मलाइका इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. शाहरुख इज अ वेरी गुड फ्रेंड बट अगेन वी डोंट मीट रेगुलरली बिकॉज एवरीबडी इज वेरी बिजी. बहुत सारे हैं मेरे. मुकेश चाबरा इज अ वेरी गुड फ्रेंड. राजकुमार राव पत्रलेखा हुमा कुरेशी. मेरा फ्रेंड सर्कल काफी अच्छा है. आई डोंट केयर इफ दे आर वेरी सक्सेसफुल और दे आर अपकमिंग और व्हाटएवर. इफ आई लाइक देम देन दे आर माय फ्रेंड्स. अनिल कपूर इज वाइफ सुनीता, दे आर वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन. एंड देन देयर आर वेरी आउटसाइड इंडस्ट्री के मेरे बहुत सारे दोस्त हैं. अच्छा. जैसे हमारी पहले जब हम बिल्डिंग में रहते थे बचपन में, हमारे बचपन के दोस्त. oh, wow. अभी तक हाँ, हमारा बिल्डिंग का एक चैट ग्रुप है एंड बचपन के दोस्त. लाइक वी रेगुलरली वी हैव अ रीयूनियन लाइक दैट. हाँ. एंड आपकी कोई लव स्टोरी? हम ज्यादा पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे. कौन सी लव स्टोरी? शादी से पहले वाली के शादी वाली? रीसेंट वाली. रीसेंट कैसे हो सकता है? आप मेरी लव स्टोरी से मेरे डॉग के साथ है. आपके डॉग का नाम क्या है? मेरे डॉग का नाम है स्मूची द पूची. स्मूची द पूची. स्मूची है खाली उसका नाम और वो बहुत बहुत पोजेसिव है मेरे बारे में. सो हु इज योर फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेस इन टुडेज? फेवरेट एक्टर शाहरुख ऑफ कोर्स. एक्ट्रेस मेरी बदलती रहती है, बहुत अलग अलग एक्ट्रेसेस है. रिसेंटली में है तब्बूज ऑफ कोर्स, फैंटास्टिक. आई लाइक करीना आल्सो, शी इज फैबुलस. और दीपिका आई लाइक. और कौन है? और आलिया भट्ट तो सबकी फेवरेट है. हाँ, और कौन? बस चलो हम आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे. आप बताओ हम दोनों में से चिंकी कौन है, मिंकी कौन है? सबसे इजी क्वेश्चन है. चिंकी और मिंकी. आई गॉट इट राइट. मैं ये बोल रही थी चिंकी मिंकी, फिर मैंने बोला उल्टा बोलती हूँ. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच मिंकी फॉर हैविंग मी एंड सी ऑल सून ऑन माय YouTube. यस डेफिनेटली. आपका चैनल कब से स्टार्ट हो रहा है? मेरा प्लान चैनल शुरू हो चुका है. ओके, जस्ट गोज टू शो के कोई प्रमोशन नहीं हुई है. ये पूछ रहे हैं चैनल का चैनल. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फराह खान मैम चैनल. एंड जितना प्यार हो सकता है उतना दो. और आप बहुत कुछ सिखाने वाले हो खाने पीने का. हाँ हाँ, और तुम लोग को अभी बुलाने वाली हूँ और हम खाएंगे ठूसेंगे. और आप भी प्लीज घर पे बनाओ. ऐसा इनको लगता है. ओके ओके, आई विल सी यू. बाय बाय. लॉट्स ऑफ लव.